अनंत उपकारी सद्गुरुदेव के अनंत ज्ञान को प्रणाम। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन में सफल हो चुके बुद्ध पुरुषों ने, अरहंतों ने, वीतरागियों ने इस जीवन को सम्यक तरीके से जीने की कला का हमें ज्ञान दिया। उस सम्यक कला के लिए अनेकों सूत्र जिन वाणी में हमें मिलते हैं, प्रभु महावीर के द्वारा दिए गए उन सूत्रों में से एक सूत्र की बात हम यहाँ करते हैं। प्रभु महावीर ने कहा कि अगर आदमी अपने भीतर इन पांच दोषों को निकाल दे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। अब सफल शब्द बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि लोग समझते हैं पैसा कमा लिया तो सफल हो गए, कोई समझते हैं यश कमा लिया तो सफल हो गए, कुछ लोगों की सोच होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख गया तो मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। पर यहाँ सफलता के वे सारे पैमाने नहीं हैं। यहाँ सफलता का मतलब है कि हम इस दुनिया में जिस उद्देश्य से आए, उस उद्देश्य को हमने कंप्लीट कर लिया तो हम सफल हो गए। हम क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या है? कुछ अधूरी बातें थी जिनको पूरा करना था, कुछ लेन देन बाकी था जिसका निपटारा करना था, वो सारा निपटान कर लिया तो सफल हुए। और हम अज्ञान में थे, ज्ञान के प्रकाश में आ गए तो सफल हो गए। खुद को नहीं जानते थे, अपने आप को कैसे आकार देना ये नहीं जानते थे, और अपना वास्तविक स्वरूप क्या है वो जान लिया तो सफल हो गए। वास्तविक स्वरूप जानने के बाद कोई बंधन नहीं बचता, कोई दुख नहीं बचता, कोई संक्लेश नहीं बचता। संक्लेश का अभाव, पूर्ण संक्लेश का अभाव सफलता है। अभी संक्लेश दूर होने के लिए कुछ छोटे छोटे सूत्रों में से हम एक सूत्र की बात करें कि प्रभु महावीर ने कहा कि इंसान अगर शंका करना छोड़ दे तो सफल हो जाए, उसको जीने का सही तरीका पता लग जाए, शंका मुक्त बने हम। वो शंका, संशय, डाउट, संदेह, सस्पेंस की अवस्था। शंका यानी चिंता, शंका यानी डर, शंका यानी सारी परेशानियों का बीज। जितनी भी परेशानी आपकी जिंदगी में, आप गिन लो, लिस्ट बना लो, कितनी परेशानियां हैं, हर एक परेशानी को लिखो कॉपी में। बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं पढ़ती, पैसे की कमी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, कुछ भी, आप सारी परेशानियों को लिख लो और एट द एंड ऑफ कंक्लूजन में आप पता करो ये सारी परेशानियां क्यों हैं, तो एक ही कारण समझ में आएगा कि मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपनी योग्यता पे भरोसा नहीं है, अपने साथियों की योग्यता पे भरोसा नहीं है, प्रकृति की वफादारी पे भरोसा नहीं है। जहां भरोसा नहीं है वही परेशानी है। और आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहा करते कि अगर एक साधक अपने में से ये तीन शंका परक सोच को निकाल दे, तीन क्या, खुद पर भरोसा का नहीं होना, पहली शंका परक सोच, दूसरी अन्यों की योग्यताओं पे भरोसा नहीं होना। बेटे की चिंता क्यों करते हो, बेटा काबिल है और वो काबिल होगा ही, क्यों चिंता करते हो बुढ़ापे की? जैसे बचपन में कभी सोचा नहीं था कि बड़ा होऊंगा तो शादी कैसे होगी या बिजनेस कैसे करूंगा, फिर भी आप सब काम कर रहे हो ना। जब समस्या आएगी समाधान खुद ब खुद आएगा।
जब जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पैदा होगी, तो आविष्कार भी हो जाएगा। जब प्यास लगेगी तो कहीं से पानी ढूंढ ही लोगे। और गहरी नींद में भी अगर प्यास लगती है तो क्या आदमी उस नींद को छोड़ करके पानी खोज करके पानी नहीं पीता है? पीता है ना। और गहरी नींद में भी मच्छर काट जाता है तो क्या हमारा शरीर ऑटोमेटिकली, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली उठ करके उस मच्छर को नहीं हटाता है, भगाता है? करता है ना। तो जब प्यास गहरी होगी, रास्ता अपने आप से खोजेगी। डाउट क्यों? क्यों खुद पे भरोसा नहीं? क्यों अपनी संतान पे भरोसा नहीं? क्यों अपने साथियों पर भरोसा नहीं? और क्यों इस प्रकृति पे भरोसा नहीं? विराट गुरु जी कहा करते कि लोगों को प्रकृति की वफादारी पे कोई भरोसा नहीं है, जो कि प्रकृति कितनी वफादार है। हम जागे ना जागे, सूरज समय पर आता है, बादल, समुद्र, ये हवाएं, ये वृक्ष, ये धरती, ये पानी, ये अग्नि, ये पूरी प्रकृति हर पल हमारा सहयोग करती है, हमें जीने में सहायता देती है। ऐसा कोई भी तो पल नहीं होता कि जब हवाएं हमारा साथ न निभा रही हो, जब प्रकृति अपनी गोद में हमें ना रख रही हो, जबकि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कभी नहीं होता। हर आदमी को जमीन मिलती ही है, हर आदमी को प्रकृति जीने का सामान देती ही है, फिर भी हम इंसान बहुत लालची, बहुत स्वार्थी, इतना पाने के बाद भी यही बोलते हैं, कौन मेरा क्या करता है, कौन किसका क्या करता है, दुनिया स्वार्थी है, कोई अपना नहीं है। जरा ईमानदारी से सोचना, जो लोग ये कहते हैं कि कोई अपना नहीं है, जरा ईमानदारी से सोचना कि क्या वाकई कोई अपना नहीं है? अगर नहीं अपना हो तो धरती को क्या पड़ी जो हमारे वजन को उठाए, पानी को क्या पड़ा जो हमारी प्यास बुझाए, अग्नि क्यों हमारे लिए भोजन पका के दे, हवाएं क्यों हमें जीवन प्रदान करे, वृक्ष क्यों हमें ऑक्सीजन दे, क्यों छाया दे, क्यों फल दे, क्यों अपनी संपदा हमारे लिए कुर्बान करे? सूरज, चांद, तारे, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्राकृतिक व्यवस्थाएं, सब कुछ आदमी के हित में है। और उसके साथ रहने वाले लोग, उसके आस पड़ोस के लोग, बचपन से लेकर अब तक क्या हम बिना सहयोग के विकसित हो पाए हैं? क्या हम बिना सहयोग के एक पल भी जी सकते हैं? कभी भी तो नहीं जी सकते। और फिर भी हमारी छोटी सी सोच एक बात जल्दी से कह देती है, कौन अपना है जी, सब स्वार्थी है। ये शंकालु लोगों की सोच होती है। ये वे लोग हैं जिनके हृदय में पूरी प्रकृति की धड़कने नहीं धड़कती है, जो अपने विश्व रूप को कभी देख नहीं पाते, ब्रह्मांड की कुर्बानी को महसूस ही नहीं कर पाते, प्रकृति की व्यवस्थाओं पे कभी भरोसा ही नहीं जता पाते। जो लोग प्रकृति की व्यवस्था पे भरोसा जताते हैं और जानते हैं, वे कभी भी शंका नहीं करते। वे जानते हैं कि गर्मी भी ज्यादा पड़ी तो इंसान के हित के लिए होगा, बारिश आनी है इसीलिए गर्मी पड़ी है, गर्मी नहीं होगी तो वर्षा कहां से आएगी। वे जानते हैं कि इंसान के जीवन के लिए सर्दी, गर्मी, वर्षा सबकी उपयोगिता है, इसीलिए ये सारी चीजें हैं। वे कभी शंका नहीं करते, कभी संदेह नहीं उठाते, कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वे कहते हैं कि जो भी हो रहा है उन सबके अंदर कुछ हित छुपा है, कुछ अच्छा छुपा है। ये शंका परक सोच निकल जाए, तीन से शंका हटा लो, खुद पे शंका नहीं, आप काबिल हो, आप योग्य हो, आप अपने लाइफ में आने वाली हर समस्या को जूझने, समझने और उनका समाधान पाने की हैसियत, काबिलियत रखते ही हो। और बड़े मजे की बात, इस लाइफ में कभी आउट ऑफ कोर्स पेपर नहीं आता, आउट ऑफ स्ट्रेंथ कभी आपके ऐसी परीक्षा नहीं आ सकती जो आप झेल नहीं सकते हो। कई लोग कहते इतना दुख पड़ता है झेल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है भाई। उतना ही दुख आएगा जितनी झेलने की ताकत है, बल्कि जितनी झेलने की ताकत है उससे हमेशा कम ही आएगा।
नियम से। हर और हर प्रतिकूलता दुख थोड़ी है, हर प्रतिकूलता हमारी शक्ति को जगाने का एक स्वर्णिम अवसर है। क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो? नकारात्मक परिस्थितियों से घबराने की कहां आवश्यकता है? अगर नकारात्मक परिस्थितियां है भी तो भरोसा करो ना कि मेरी ताकत तभी तो जागेगी। भरोसा बहुत बड़ी चीज है। भरोसा है तो ही सफल होगे, तो ही जीने को, जीवन को सार्थक तरीके से जी पाओगे। अन्यथा जीते तो बहुत लोग हैं, लेकिन सार्थक तरीके से नहीं जीते, मीनिंगफुल नहीं है लाइफ। बहुत जल्दी वे अपनी जिंदगी के अर्थों को खो चुके होते हैं, क्योंकि वे आत्मविश्वास खो चुके होते हैं। और आत्मविश्वास खो दिया तो वाकई जीने का अर्थ खो दिया। और जिसने अपने जीने का अर्थ ही खो दिया, वो परमार्थ को क्या साधेगा? परमार्थ को साधने के लिए पहले अपने अर्थों को तो पहचान ले हम। तो शंका छोड़ो भाई, खुद पे संदेह मत करो, अपने बालकों पे संदेह मत करो, अपने पारिवारिक जनों पे, रिश्तेदारों पे, मित्रों पे कभी संदेह मत करो। विश्वास करो कि वे सब आपके सहयोगी हैं, वे सब काबिल हैं और वे काबिल हो ही रहे हैं। और हर अनुकूलता और हर प्रतिकूलता उनको बढ़ाने में निमित्त बने, ऐसी उनके लिए दुआ करो। आपकी दुआओं में बहुत ताकत है, आपके विश्वास में बहुत ताकत है। अगर आपका विश्वास है कि जमाना बहुत अच्छा है, मेरी संतान बहुत अच्छी है और संतान अपनी काबिलियत से अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुंदर बनाएगी ही और बना ही रही है, तो निश्चित तौर से बनाएगी। लेकिन आप बार बार कहते हो जमाना बहुत खराब आ गया, बच्चे बिगड़ गए, कोई किसी की सुनता नहीं है, न जाने ये कलयुग कहाँ तक ले जाएगा, कैसा बुढ़ापा देखना पड़ेगा, किसका मुंह देखना पड़ेगा, कैसे इस भविष्य को हम फेस करेंगे। अगर आप इतना डर के बोलते हो तो ध्यान रखो, जो डरेगा वो मरेगा, जो डरेगा वो मरेगा भैया। और जिससे डरोगे उसी का सामना करना पड़ेगा, चाहे है तो फिल्म का गाना, लेकिन बात बड़ी सही कह रहा है कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। हकीकत है, जिससे डरोगे वही बात हो जाएगी। इसीलिए डरो मत, डर निकालो, शंका निकालो। जैन दर्शन तो बिल्कुल अभय होने की बात करता है। वो कहता है ज्ञानी वही जो अभय है, नमो जिनानम जीय भयानम, उनको नमस्कार जिन्होंने भयों को जीत लिया, भय को जान लिया, भय से मुक्त हो गए। तो अंदर की सोच से भय निकले तो जीवन सार्थक बने ना। खुद से डरो ना, साथियों से और ना प्रकृति से, परिस्थितियों से, किसी से मत डरो। सब अच्छे हैं, सब वफादार हैं और हर अनुकूलता या प्रतिकूलता मुझे विकसित करने के लिए है, मुझे मुक्त करने के लिए है, मुझे समझदार करने के लिए है, मेरी गलतियों को सुधारने के लिए है। ऐसी दृष्टि पैदा हो जाए, ऐसी दृष्टि को जैन सूत्र कहते हैं, यह सम्यक दृष्टि की शुरुआत है। यह सम्यक दृष्टि का प्रारंभ है कि जहां व्यक्ति के भीतर से शंकाएं निकले, संदेह खत्म हो, चिंताएं खत्म हो, परेशानियां खत्म हो, नकारात्मकताएं खत्म हो, अविश्वास खत्म हो, तो सम्यक दृष्टि की शुरुआत हुई। और बिना सम्यक दृष्टि के सार्थक जीवन संभव नहीं है। जीवन की सार्थकता आप सबको प्राप्त हो, आप सब में प्रकट हो और आप सब शंका मुक्त बने, डर से मुक्त बने। और कभी डर आए भी और डराने भी लगे तो अपने आप को बोल करके कह देना कि मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो सोचता हूं वही मेरे साथ होता है, मेरे विश्वास ही मेरे लिए भविष्य का निर्माण करते हैं, मेरा विश्वास ही मेरा भविष्य है, इसीलिए मैं डरता ही नहीं। मेरे को विश्वास है कि हर प्रतिकूलता अपने में अनुकूलता छुपाए हुए है। पूज्य विराट गुरु जी गाया करते,
हर चुनौती है नया सोपान किस्मत की किताब का। क्या चुराना आंख किरण का तेज है ये आफताब का। आफताब सूरज की, उगते सूरज की पहली किरण को कहते हैं। क्या चुराना आंख किरण का तेज है ये आफताब का। उगते हुए सूरज से कोई आंख थोड़ी चुराता है। हर प्रतिकूलता उगते हुए सूरज के समान है। हर चुनौती है नया सोपान किस्मत की किताब का। ये किस्मत की किताब का नया सोपान है, नई सीढ़ी है। इसलिए इन चुनौतियों से घबराओ मत, डरो मत और डराओ भी मत। खुद संदेह में रहो मत, औरों पे संदेह करो मत। विश्वास की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि बाइबल कहती है कि अगर तुम विश्वास से भर के एक पर्वत के सामने खड़े होकर के बोल दो कि ए पर्वत रास्ता छोड़ दे, वो पर्वत भी तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। पर्वत को विश्वास से भर के कह दो, क्या बात है। आप कहोगे नहीं छोड़ा तो, ये नहीं छोड़ा तो, ये तो सोचना ही शंका है जिंदगी से। ये इफ बट तो किंतु परंतु इन शब्दों को निकाल दो। विश्वास करो कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारा भविष्य है, जीवन को निर्माण करने वाला है। इसीलिए सुखद विश्वासों में, सुखद एहसासों में जियो। जीवन की सार्थकता और सफलता खुद ब खुद प्रकट हो जाएगी। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।